टेक कंपनी गूगल अपने पॉपुलर सर्च इंजन में आए दिन बदलाव करती रहती है। अब एक बार फिर गूगल बदलाव करने को तैयार है। गूगल के नए प्लेटफॉर्म सर्च लैब्स द्वारा कुछ लोगों को इनवाइट किया जा रहा है, जिससे कि ये लोग जनरेटिव एआई पावर्ड सर्च इंजन का इस्तेमाल करके देख सकें। खास बात यह है कि आईओ 2023 इवेंट में लॉन्च होने के 2 हफ्ते बाद ही कुछ यूजर्स को सर्च लैब्स का एक्सेस दिया जा रहा है। बता दें, गूगल ने इसी महीने की शुरुआत में सर्च जनरेटिव एक्सपीरियंस SGE को लॉन्च किया था। गूगल ने यह नया फीचर सर्च को बढ़ाने के लिए जनरेटिव एआई का इस्तेमाल करता है। ये फीचर सर्च रिजल्ट के सबसे ऊपर रेगुलर ब्लू इंक की जगह उस टॉपिक का संक्षिप्त ओवरव्यू दिखाते हैं। इस फीचर्स पे यूजर्स एआई के फॉलो अप सवाल करते हुए बात कर सकते हैं और साथ ही किसी टॉपिक के बारे में ज्यादा जानने के लिए सजेस्टेड एक्शन को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। इस सर्च बार पर एआई इंफॉर्मेशन के सोर्स का लिंक भी दिया जाता है, जिससे कि यूजर्स को सोर्स पर जाकर सही जानकारी मिल सके। SGE का इस्तेमाल कर लोग शॉपिंग करते वक्त प्रोडक्ट की रेंज को डिस्कवर कर सकते हैं। बता दें, कुछ समय पहले माइक्रोसॉफ्ट ने भी इसी तरह के फीचर वाला बिंग लॉन्च किया था। SGE में फिलहाल और भी कई फीचर्स हैं। इसमें एड्स टू शीट का ऑप्शन है। ये ऑप्शन सर्च रिजल्ट में हर लिंक पर एक बटन ऐड करता है। इसके जरिए यूजर्स अपनी फेवरेट लिंक को शीट में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा कोड टिप्स का फीचर भी है, जो AI पावर्ड सॉल्यूशन है और इसे कोड लिखने पर उसे फिक्स करने में मदद करने के लिए बनाया गया है।